अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, हम कल जो डिस्कस कर रहे थे उसी सिलसिले में अभी मैंने आपके सामने एक जेपीजी शेयर किया है। आपको एक्सेस हो रहा है? वो एक अटैचमेंट है जो आपको चार्ट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे है, देखिए आपके चैट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह वो नजर आएगा, देखिए। तो ये है, देखिए वो। और इसमें जो बेसिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप करने के काम है, ये वाला स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, न्यू स्क्रीन, नाउ इट्स शेयरिंग टू यू। ये फाइल मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजी है, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग टाइप करिए कुछ चैट बॉक्स में, यस नो, या और बात करना है तो आप लोग जो है, यू कैन स्पीक। स्टार्टिंग में जो है, कुछ लोग ज्वाइन होने तक हम इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये आपको इमेज डाउनलोड कर सक रहे हैं आप लोग, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा। डाउनलोड कर सकते हैं आप, उबैद, आपका जो चैट बॉक्स है उसमें ओपन करिए, आएगा ये जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, अभी अपलोड किया है इसको। आप उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप इसको, चाहिए तो। चैट बॉक्स में नहीं है, है ये वाला जो अभी भेजा है मैंने, चार्ट बॉक्स में सबसे पहला है, देखिए ये जो नजर आ रहा है यहाँ पे, डीएमसी व्हाइट बोर्ड बोल के। तो ये फाइल डाउनलोड करिए जो आपके चैट बॉक्स में है, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही तो। आपका चैट बॉक्स के लिए डीएमसी व्हाइट बोर्ड बोल के जो इमेज है, उस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के जो कंपोनेंट्स है, हम क्या क्या स्टडी करेंगे और किस पे हमको काम करना है वो बताया हूं मैं।
स्क्रीन शॉट। ओके, स्क्रीन शॉट से भी हो गया तो काम चल जाता आपको। इसमें जो बेसिक आपको डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टिंग डे में जो हम लोग पढ़ाते हैं वो जो है आपको एक स्क्रीन शॉट के तौर पर भेजा हूँ। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करना है, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। वेबसाइट प्लानिंग और क्रिएशन में जो है आपको जो स्टेप करना है वो जो है आपको सबसे पहला काम है आपका डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए वेबसाइट की प्लानिंग करना है आपको, कौन से क्या नाम से क्या डोमेन से और क्या कंटेंट आपके उस वेबसाइट में होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है डोमेन होगा, होस्टिंग होगा और वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको तीसरा जो है स्टेप है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कर रहे हैं, और जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आप लोग इंटरेक्टिव हो जाइए, अगर इस तरह रहा तो क्लास का फ़ायदा नहीं रहेगा आप लोगों को और मुझे भी लगेगा कि मैं बस पत्थरों के सामने जो है बात कर रहा हूँ। यू हैव टू स्पीक समथिंग, यू हैव टू इंटरेक्ट विथ समथिंग, ठीक है। अगर इस तरह होगा तो क्लास नहीं चलेगी आप लोगों की, ये ठीक नहीं है तरीका। यू मस्ट इंटरेक्ट विद द ट्यूटर। आप लोग कैसे सीख पाएंगे अगर आप जो है कोई चीज़ ना पूछेंगे, ना पूछे तो कोई जवाब देंगे। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। यस कम ऑन हरी अप। कितने आदमी हैं यहाँ पर अभी? 7 बंदे हैं। मैया, अशोक गुप्ता, खतीजा, उबैद, अहमद, मोहियुद्दीन एंड जहर। तो आप लोग जब तक कि कुछ बात नहीं करेंगे, कोई चीज़ पूछेंगे नहीं, आप प्रैक्टिकल कुछ आपको बताएंगे ये करने के लिए करेंगे नहीं, तो फिर किस तरह आप सीख पाएंगे? ये तो कोई टीवी शो नहीं है कि बस आप सामने बैठ गए, कुछ देख लिए, कुछ सीख लिए। ये पूरा कोर्स जो है आपको प्रैक्टिकल है, और स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीज़ बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करना है आपको। तो और दूसरे जो लोग हैं वो जो है इंटरेक्ट करिए, आपको कोई सवाल है कोई जवाब है तो उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस तरह मैं खाली दिखाता जाऊंगा तो ये तो एक टीवी शो हो जाएगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है और इट इज़ द वेस्टेज ऑफ माई टाइम एंड योर टाइम। अब मैं इससे और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कल हम जो है डोमेन क्या होता है, वेब स्पेस यानी वेब होस्टिंग क्या होती है, और वेब डिज़ाइनिंग का जो उसके बाद वाला स्टेप है वो क्या है। तो वेब डिज़ाइनिंग का जो है, कल कौन कौन थे, सब लोग थे इसमें या कुछ नए नए लोग आ गए आज? कौन लोग थे कल? देखिए, जो स्टेप्स बताया हूं मैं यहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए, हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं जो वर्डप्रेस है, और वर्डप्रेस की जो टेक्नोलॉजी होगी वो पीएचपी बेस्ड टेक्नोलॉजी रहेगी। और इसके अलावा दूसरा एक और एक स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हम जो है wix.com में जो कि HTML5 और CSS टेक्नोलॉजी का जो है प्लेटफॉर्म है, और तीसरा प्लेटफॉर्म जो मैं बताया हूँ about.me है, इसको आपको वेब प्रेजेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 वेबसाइट, 3 लाइव प्रोजेक्ट्स आपके स्टार्टिंग में आपको जो वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करते वक्त में ही स्टार्ट करना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको भी डेवलप करते जाओगे और अपनी वेबसाइट भी बना सकोगे। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट, एक वर्डप्रेस में और एक जो है विक्स में, आप थोड़ा सा सीख जाने के बाद में एडवांस लेवल पर बना के वहाँ से आपके कैरियर की शुरुआत कर सकते। आपको ये पूरा कोर्स प्रैक्टिकल है, सिर्फ आप एक घंटे के लिए जो है कंप्यूटर के सामने आके बैठ जा रहे, तो इस तरह आपको जो है कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है।
अब तीसरी बात जो है वो मेरे को बताना है कि हम लोग इस कोर्स में जो है अब तक कुछ सीख चुके हैं, कुछ हमको जो है आगे बढ़ना है। तो स्क्रीन क्लियर है सबको? ओके फाइन। तो SEO क्या है? SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो सबसे पहला स्टेप आपका वेबसाइट का बनाना है। वंस यू मेक योर वेबसाइट, अब वेबसाइट के ऊपर जो काम करना है वो वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन क्या होता है हम उसके बारे में इससे पहले जान चुके हैं कि व्हाट इज सर्च इंजन, और वेब ब्राउजर क्या होता है उसके बारे में भी जान चुके, वेब एड्रेस क्या होता है उसके बारे में भी जो है पढ़ चुके, और URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और किस तरह हम जो है URL के जरिए वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं। अब उसके बाद जब आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी तो उसके अंदर जो कंटेंट्स है उस कंटेंट को आप इस तरह ऑप्टिमाइज करना है, इस तरह आप उसको जो है कीवर्ड्स को इस तरह डालना है कि वेबसाइट के जैसा कि बताया मैंने, वेबसाइट का एक लेआउट होता है, वेबसाइट का जो ऊपर का टॉप का हिस्सा है उसको जो है हेडर बोलेंगे, और दरमियानी जो हिस्सा है वो बॉडी, और जो निचला हिस्सा है फुटर, हेड, हेड से हेडर, फुट से फुटर, और बीच का जो हिस्सा है वो बॉडी। तो बॉडी में जो कंटेंट होंगे आपके उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, जो इमेजेस होंगे, और कुछ वीडियोस वगैरह को विजुअल्स वगैरह होंगे, कुछ ऑडियो विजुअल होंगे, तो वो सारा जो है आपको वेबसाइट में नज़र आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो डोमेन नेम है आपका। जो डोमेन नेम है दैट्स ए पावरफुल कीवर्ड आपको वेबसाइट में पहुंचने के लिए, सर्च इंजन में पहुंचने के लिए, दैट विल बी द बेस्ट टूल। तो वो डोमेन अगर आपका जो है कॉन्फ़िगर सही होगा और उस पर आप जो वेबसाइट बनाए हैं वो रेडी टू डिस्प्ले होगी, तो वो जो है वेब पेज खोलते ही कोई भी आपको एड्रेस टाइप करते वो नज़र आएगा। अब इसको सर्च इंजन में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो सर्च इंजन जो है हर सर्च इंजन के लिए कुछ एक मिनिमम जो है वो लोग गाइडलाइंस देते हैं कि आपके पास कुछ कीवर्ड्स ऐसे होना चाहिए आपके वेबसाइट के कंटेंट्स में जो कि आपको सर्च इंजन में ऊपर कर सके, सर्च इंजन में टॉप ला सके। तो पहले हिस्से में हम ये जो आपके स्क्रीन पर है इसको एक्सप्लेन करने के बाद में मैं जो है आपको प्रैक्टिकल वेब पे जाके, हम वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन जाके ये सारे स्टेप जो अभी स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो वो आपका जो है वॉइस के साथ कुछ साउंड आ रहा है, वॉइस के साथ कुछ साउंड, किस किस्म का साउंड आ रहा? ओके फाइन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे? आवाज बहुत कम आ रही। मे बी यू हैव प्रॉब्लम इन योर स्पीकर, या मेरे पास तो आवाज बहुत क्लियर और साफ आ रही है। अगर दूसरों को भी ये प्रॉब्लम है तो एक बार अपना स्पीकर चेक कर लीजिए। मेरे पास से तो साउंड बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि मैं जब आपके सामने अपने डेस्कटॉप पे बैठा हूँ तो साथ में मैं जो है अपने फोन में भी लॉगिन किया हुआ हूँ, तो जो कुछ मेरे सामने नज़र आ रहा है वो मेरे स्क्रीन पे फोन पे भी नज़र आ रहा है, जो कुछ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो मेरे फोन में भी सुने आ रहा है। तो देर इज नो कन्फ्यूजन इन दैट। अगर आपको वॉइस कम आ रही तो आपके स्पीकर में चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा लीजिए, या आपके सिस्टम की सेटिंग में वॉइस कम हो सकती है पॉसिबल, उसको मैक्सिमम कर लीजिए, फुल कर लीजिए, ठीक है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि आपके वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसमें कीवर्ड्स होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका वेबसाइट का जो हेडर होता है और उसका जो टाइटल होता है, टाइटल में आप जो है जो भी आप कीवर्ड डालेंगे वो सर्च इंजन का एक एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एल्गोरिदम बोले तो, उसमें वो देखता है कि वो कीवर्ड है क्या,
अगर है तो वो सर्च इंजन ऑटोमेटिकली जब भी वो कंटेंट आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी या वेब पेज पब्लिश हो जाएगा, वो अपनी डायरेक्टरी में एंटर कर लेगा और जो कोई भी उस कीवर्ड से या उसको टाइप करके सर्च करता है इंटरनेट पे, तो वो इंफॉर्मेशन उसको टॉप ऑफ द पेज दिखा देगा। अगर उसके अलावा आपकी वेबसाइट के अलावा सिमिलर कीवर्ड किसी और ने यूज़ किया और अगर वो आपसे बेहतर प्लेस पे होगा तो दैट विल कम फर्स्ट। तो आपको अपने वेबसाइट में कीवर्ड्स डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एसईओ का जो प्रोसेस है इसको जो है हमने किया था कि टाइटल, मेटा टैग और आपका जो डिस्क्रिप्शन है और जो बॉडी है, ये इसमें आपके कीवर्ड्स होना चाहिए। इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, जब हम विक्स पे ऑनलाइन जाएंगे तो उसमें वो टूल आपको शो करूंगा कि उसके अलावा भी आप बहुत से तरीके हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। ऑनलाइन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसके अलावा ऑफलाइन यानी साइट के अलावा भी जो है आपका जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो प्रोसेस है। बैकलिंक्स बिल्डिंग है, किस तरह जो है आपके वेबसाइट पे जो है दूसरे और सोर्सेस से आपका कंटेंट उसमें पहुंचता है सर्च इंजन में, वो सारी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में आपको जो कीवर्ड्स यूज़ करना है वो जो आपके वेबसाइट में उसको प्रमोट करना है या आपका कुछ और टारगेट है जैसे उसकी ट्रैफिक बढ़ाना है या उस पर साइन अप्स बढ़ाना है या उस पर कुछ अपने ऑफर दिया है तो वो जो है सेल आउट करना है, तो देर आर मेनी ऑप्शंस इन दैट। तो जो भी ऑप्शन आप एड कैंपेन सेट करते वक्त में सेट करेंगे वो टारगेट आपको उसमें अचीव होगा सर्च इंजन मार्केटिंग में। उसके बाद है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और जितने भी हम जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं वो सब कुछ जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होगा। सबसे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट के बाद में आप उसकी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग्स में और डिफरेंट लिंक्स को जो बैक लिंक्स के तौर पर जो है आपकी वेबसाइट तक ट्रैफिक ड्राइव करते हैं वहाँ पर उनको लगाना है। तो ये इससे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगी इसमें। पांचवी जो टॉपिक है वो हम जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसमें जो हम काम फ्री कर रहे हैं उसी तरह पेड वाला जो काम करेंगे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें मोस्टली आपको फेसबुक से जो है किस तरह ड्राइव करेंगे ट्रैफिक को या और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें एडवर्टाइजमेंट करके किस तरह आप जो है ड्राइव करेंगे। तो अब जब वेबसाइट बनाएंगे आप तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपको छठा हमारा जो है टॉपिक है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको कुछ आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कोई ना कोई एक जो है ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल आपके पास होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सकें या वेबसाइट में जो फोटोज़ वगैरह आपको डालना है उसको ऑप्टिमाइज करें, उसको वेब वेब के लिए ऑप्टिमाइज करके, वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज करके उसको इतना साइज बनाना पड़ेगा आपको कि उससे वेबसाइट को आपको जो है डालने से आपको जो है वेबसाइट पर वो ग्राफिक या फिर जो भी पिक्चर है उसका साइज जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, फाइल साइज उसमें रिड्यूस हो जाता है और उस पर कुछ आप लिखना है उसको एडिट करना है तो ग्राफिक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप वो कर सकते हो। तो वो सब करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में वो चीज़ होनी ज़रूरी है जिससे कि आप वो काम कर सके। तो उसके लिए आपको मिनिमम फोटोशॉप रिक्वायरमेंट है। अब जिनके पास फोटोशॉप नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं या अगर कोई चाहते हैं तो उसके अलावा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जो आपको जो है ऑनलाइन से आप काम कर सकते हैं, उसका नाम है कैनवा। कैनवा में जाके आप जो है ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं और दूसरे भी उसके जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फोटोशॉप के बाद में डीटीपी। डीटीपी में जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जैसा कि आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है पब्लिशर। पब्लिशर में जो है आप जाके डीटीपी कर सकते हैं जिसमें ब्रोचर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, फ्लायर बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, न्यूज़लेटर बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आप
पब्लिशर में बना सकते हैं और डीटीपी का काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको कोई आपके वेबसाइट में वीडियो अगर डालना है तो उसको वीडियो आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, मूवी मेकर बोल के सॉफ्टवेयर है। वो आजकल लेटेस्ट वर्शंस में अवेलेबल नहीं है, वरना पहले वो विंडोज़ में आप जो है आपके विंडोज़ में हुआ करता था। तो माइक्रो मूवी मेकर 2012 बोल के आपको वर्शन मिल जाएगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपको आसानी से उसको डाउनलोड करके आप जो है उससे डिफरेंट तरीके से मूवीज़ बना सकते हैं। इससे पहले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि हाउ यू कैन ऑपरेट मूवी मेकर। अगर आपको उसमें कोई इशू है या आप लोग डाउनलोड नहीं करें तो आप उसको डाउनलोड करके उस पर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करना है, आप सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ के आप जो है सीखना चाहेंगे तो नहीं होगा। अब ये जो पॉइंट्स है पूरे आप अपने नोटबुक में नोट करते भी जाएं जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इससे तो हम कोई मॉनिटर नहीं कर सकते कि आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं, खाली वॉच कर रहे हैं, लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट होना है तो आपको रजिस्टर में या जो आपकी नोटबुक है उसमें ये सारे स्टेप्स को नोट डाउन करना चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिकल काम करना है। अब मूवी मेकर में किस तरह मूवी बनाएंगे आप, वो जो है अगर आप जानते हैं तो यू माइट हैव स्टार्टेड दैट, अगर नहीं जानते हैं तो आप आज ही ये काम करना है। उसके बाद एक और एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है 10वें नंबर पर, वंडर शेयर बोल के, वंडर शेयर फिल्मोरा भी एक जो है मूवी मेकर की तरह थोड़ा सा एडवांस टाइप का जो है वीडियो एडिटर है। आप इसमें वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो विजुअल इसमें सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप परचेज करे बगैर आपका इसका जो एक वाटरमार्क होता है इसका, उसको आप अपने वीडियो पे से रिमूव नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको पेड वर्शन यूज़ करेंगे। लेकिन सीखने के लिए स्टार्टिंग टू गेट स्टार्टेड आपको वाटरमार्क के साथ भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन मेक एकदम प्रोफेशनल किस्म के जो है वीडियोस आप बना सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन ऑप्शन चाहिए आपको तो ऑनलाइन invideo.io बोल के एक जो है वेबसाइट है, इस पर भी आपको एकदम लेटेस्ट प्रोफेशनल जो है वीडियोस बना सकते हैं। इसमें भी वही है कि पेड वर्शन अगर होगा तो आप वो वीडियो बगैर, ये इसका वाटरमार्क बहुत छोटा होता है और कोने में होता है invideo का, आप प्रैक्टिस के लिए आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है इसको भी डाउनलोड, इसको भी ऑनलाइन है ये, तो आप जाके अपना अकाउंट साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करके ये काम कर सकते हैं। अच्छा, जिनको वीडियो फोटोशॉप में कोई मसला है अगर उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैनवा, जैसे बोला था मैं, ये कैनवा भी जो है canva.com पे जाइए, वहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए, उसमें आप ग्राफिक्स बैनर्स वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें बना सकते कर सकते। उसके बाद थर्टीन पॉइंट है आज की हमारी स्लाइड का, कंटेंट राइटिंग फॉर योर वेबसाइट। जो भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए। दैट ऑल यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट, आप जो है पेपर पे लिखें, फिर उसके बाद में आप जो है वर्डप्रेस में वर्ड डॉक्यूमेंट में करें या नोटपैड में टाइप करें उसको, या फिर डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में करना है तो अपनी वेबसाइट में डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कंटेंट राइटिंग के लिए तरीका ये है कि आप जिस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हैं, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्ट गूगल करें, गूगल पे जाके जिस टॉपिक पर आप जानना चाह रहे हैं उस टॉपिक को खोलकर सर्च करें। रिसर्च करने के बाद में आपको जो भी कंटेंट आपको वेबसाइट पे या फिर सर्च इंजन में या दूसरे वेबसाइट पे नज़र आता है उसको माइंड में रखकर आप अपने तरीके से अपने अल्फाज में उस कंटेंट को डेवलप करना है। ये काम आपको खुद को करना है। अगर ये कंटेंट डेवलपर या कंटेंट राइटर से आप करवाएंगे तो इसके काफ़ी जो है चार्जेस आपको बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा ऑल इन वर्क डिजिटल मार्केटर को ही करना होता है। अलग से कोई ग्राफिक डिज़ाइन करके नहीं देगा आपको, अलग से कोई वीडियो बना के नहीं देगा। ऑल यू हैव टू डू इन द बिगिनिंग बाय योर सेल्फ। इसके बाद का जो स्टेप है, कैनवा हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। कंटेंट राइटिंग जो है आपके वेबसाइट के कंटेंट्स के लिए है। अगर आप ब्लॉग्स में पोस्ट कर रहे हैं, आपके ब्लॉग्स हैं
या फिर आपका जो है blogger.com में अगर आपने ब्लॉग बनाया है, या फिर खुद आपके वेबसाइट में अपने ब्लॉग्स बनाए हैं, तो उसमें जब भी पोस्ट करेंगे यू हैव टू क्रिएट पोस्ट और उसको पब्लिश करना होगा, सो दैट आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी और आपकी वेबसाइट का रैंक बेहतर से बेहतर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको जो प्रैक्टिकल करना है। अब इसके बाद जो है 14 पॉइंट्स है हमारा एडवर्ड्स। एडवर्ड्स जो है सर्च इंजन मार्केटिंग का जो एक मेथड है, इसमें गूगल एडवर्टाइजमेंट होता है। गूगल आपका जो गूगल अकाउंट होता है उसी अकाउंट से लिंक्ड एक जो है आपको अकाउंट होगा, जिसमें आपको जो आपका गूगल अकाउंट है, आप जब एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएंगे तो एडवर्ड्स टैप करेंगे, तो एडवर्ड का जो है गूगल का एक प्रोडक्ट है ये एडवर्ड, गूगल एडवर्टाइजिंग का एक यूनिट है। तो आपका जो जीमेल अकाउंट है उसी से लिंक होके आपको एक जो है एडवर्ड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको स्टेप पूछेगा साइन इन के लिए, और उसके बाद में बेसिक जो स्टार्टिंग में प्रोसेस होता है कोई भी अकाउंट को साइन अप करने के लिए, उस तरह साइन अप हो जाने के बाद में उसका एक पर्टिकुलर आईडी मिलता है, उस आईडी के तहत आप जो है अब उसकी सारी एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी सारी स्टैटिक्स आप देख सकते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर अवेलेबल होगी कि करना क्या है आपको एडवर्ड में। तो एडवर्ड में आपको जो है अपना ऐड बनाना होगा, ऐड में आपका जो है टारगेटेड ऑडियंस सेट करना होगा, और आपका कितना बजट है और आप ऐड को कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सेट करने के बाद में पेमेंट का स्टेप आता है। जब पेमेंट कर देंगे आप तो आपका ऐड एक्टिव हो जाएगा, और आपका ऐड कितने दिन के लिए एक्टिव रहना चाहिए, कब उसको बंद कर सकते हैं, कब उसको चला सकते हैं, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक चलना चाहिए, पूरी सारी सेटिंग्स आपको उस अकाउंट के अंदर जाएंगे जो एडवर्ड में आपको मिलेगा, तो वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल रहेगी, वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद 15वां हमारा जो टॉपिक है आज का वो जो है एडसेंस है। जिस तरह एडवर्ड होगा उसी तरह एडसेंस, एडसेंस उनके लिए है जो पब्लिशर्स हैं, जिनके वेबसाइट्स हैं या जिनके ब्लॉग हैं या फिर जिनके यूट्यूब चैनल में कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिन पे के जो है अच्छी खासी ट्रैफिक आती हो और उनके पास बहुत से सब्सक्राइबर हो, और कुछ लोग उस पर जो है अपना अच्छा खासा वक्त देते हो, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप उसको फुलफिल करेंगे तो आपको एडसेंस का भी, जिसी तरह फर्स्ट टाइम में आपको अकाउंट एडवर्ड्स का क्रिएट करना पड़ा था, आपके जीमेल अकाउंट में जाकर ही एडसेंस टाइप करेंगे तो उसके लिए अकाउंट साइन अप होगा, पर्टिकुलर उसका फिर एक स्पेशलाइज्ड आपका जो है आईडी क्रिएट होगा, उस आईडी के अंदर में आप पूरे उसके स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। अब उसके बाद 16 टॉपिक है हमारा blogger.com। ये blogger.com भी आपको जीमेल का एक प्रोडक्ट है, इसमें आप जाके नए नए ब्लॉग्स बना सकते हैं, ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं, ये काम प्रैक्टिकल आपको कंटेंट करते रहना है। इसमें जो है बैकलिंक जो भी आपके वेबसाइट को देंगे उससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी, और इसका बैकलिंक से आपको जो है एसईओ का एक एडवांटेज मिलेगा। अब उसके बाद में आपको 17 पॉइंट पे आएंगे, वेब एनालिटिक्स क्या होती है। आपकी जब वेबसाइट बनेगी तो उसकी एनालिसिस करना होगा, उसका परफॉर्मेंस देखना होता होगा, तो वो एक टूल है जिसको बोलेंगे हम वेब एनालिसिस या वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स में ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या डिवाइस से वो देख रहे हैं, कितनी देर आपकी वेबसाइट पे ठहर रहे हैं, तो ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट गूगल सर्च कंसोल। जब आपकी अपनी ओन वेबसाइट बन जाएगी, अभी हम जो आपको वेबसाइट को आप यहाँ पर बता रहे हैं वो जो है सब डोमेन के तहत बनने वाले यानी फ्री के साइट्स है, लेकिन आपको जब भी बिजनेस में आना है तो आपको अपना ओन डोमेन, आपका ओन होस्टिंग और आपकी ओन वेबसाइट जब होगी तो आपको वेब गूगल का एक प्रोडक्ट है वेब मास्टर्स टूल। ये वेब मास्टर्स टूल अभी आज जो है सर्च गूगल सर्च कंसोल के नाम से जो है गूगल पे अवेलेबल है, तो इसमें जाके आपको सबसे पहले पहला काम आपको आपकी वेबसाइट सबमिट करना है। एक दफ़े वेबसाइट सबमिट करेंगे तो फिर वेबसाइट का आपको वेरिफिकेशन करना होगा कि यू आर दी ओनर टू सबमिट दिस वेबसाइट, तो वो गूगल में आपको जब सबमिट करेंगे साइट सबमिट,
वेबसाइट सबमिट करने के बाद में आपको वो वेरीफाई करने के लिए कोड भेजेगा, और वो कोड आप अपने वेबसाइट के जो होम पेज है इंडेक्स पेज में उसमें आपको डालकर आप उसको फिर उसमें वेरीफाई का एक बटन देता है आपको, वो बटन पर क्लिक करेंगे। अगर वो कोड आपकी वेबसाइट में मौजूद है या उसका ये एक तरीका है कि आप अपने वेब पेज में डालेंगे जो होम पेज है, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। अगर वो उसको नज़र आता है, वो स्कैनिंग करता है आपकी वेबसाइट की, और अगर वो आपके पेज में है, वेबसाइट में है, आपके होम पेज पर है, तो वो उसको वेरीफाई कर देगा। यू विल बी कंसिडर्ड एज वेरीफाइड वेबसाइट ओनर। अदरवाइज वो काम नहीं हो सका तो उसी कोड को आप डोमेन के अंदर एक रिकॉर्ड होता है उसको टेक्स्ट रिकॉर्ड बोलते हैं, या उसके अंदर जाने के बाद में आपको ये जो कोड आपको गूगल ने भेजा है उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और उसकी फाइल सेव कर देंगे। तो वो जब वेरीफाई का ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आपके डोमेन में सर्च करेगा कि जो कोड उसने दिया है आपको कि यू आर दी रियल ओनर ऑफ दैट डोमेन एंड वेबसाइट, उसको वेरीफाई करने के बाद में यू विल बी कंसिडर्ड एज वेरीफाइड वेबसाइट ओनर। अगर ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट किया आपने तो आपको इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आप उसके अंदर उसकी सर्विस को यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप वेरीफाई नहीं करेंगे। तो गूगल सर्च काउंसिल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दफे जब आपकी वेबसाइट सर्च हो जाती है तो जो भी एक्टिविटी होगी वेबसाइट की वो पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको गूगल हर महीना बिला नागा आपको उसकी रिपोर्ट भी भेजते रहता है कि आपकी वेबसाइट का ये परफॉर्मेंस है। और आप एनी डे एवरी डे वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन गो ऑनलाइन एंड चेक यूर वेबसाइट्स एक्टिविटी, फिर उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पूरी डिफरेंट टाइप की एनालिटिक्स है, स्टैटिक्स है, उसके डिफरेंट मेट्रिक्स है, वो सारे के सारे आपको जो है एक्सेसिबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट विल बी द स्टेप ऑफ गूगल सर्च काउंसिल या वेब एनालिटिक्स। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है लोकल बिजनेस मैनेजर, ये भी गूगल अकाउंट में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब भी आपको बिजनेस, आपका बिजनेस है लोकल एरिया में, लोकल सर्च इंजन में आपको लिस्ट करना है तो गूगल में जाएंगे, गूगल माई बिजनेस मैनेजर में, और वहाँ जाने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन। एक दफ़े आपकी इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपर लगेगी और आप जो है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसका एक एल्गोरिदम है, उसके गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके जब आप डालेंगे तो आपको वो उसमें लिस्ट हो जाएगा और इट विल बी अवेलेबल ऑन सर्च इंजन। उसमें आपकी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उसका लोकल एड्रेस मिलेगा, उसका जो है लोग आपके मैप में जो है कहाँ पिन है वो डिटेल मिलेगी, और फोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, आपके कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेस है तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल होगी सर्च इंजन में जब भी कोई सर्च करता है उस नाम से लेकर या उस कीवर्ड को लेकर, तो वो जो है गूगल बिजनेस मैनेजर कहलाएगा। उसके बाद जो कंपोनेंट है वो जो है 23rd पॉइंट है, ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग में आपको बताया था मैं कि ईमेल के थ्रू मार्केटिंग का एक प्रोसेस है, ये बहुत ही पुराना तरीका है ईमेल मार्केटिंग का, कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को ईमेल्स के थ्रू दुनिया भर के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर तक डेली जो है मेल्स के जरिए वो लोग प्रमोट करते रहते हैं। इसमें एक जो रूल है वो ये है कि आप अननोन पर्सन तक भेजेंगे तो वो आपका ईमेल कहलाएगा स्पैम, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको यू शुड हैव योर ईमेल लिस्ट विच इज वेरीफाइड। आप जब भी किसी से ईमेल लेते हैं तो वो ऑप्ट इन करता है कि आपका मेल ही इज इंटरेस्टेड टू जॉइन योर ईमेल लिस्ट। अगर कोई बंदा आपकी ईमेल लिस्ट में नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको मेल भेजना चाह रहे हैं ईमेल, तो वो जो है स्पैम में चले जाएगा और आपको वो ब्लॉक कर देगा, आपका मेल जो है वो उसको रिसीव नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो स्पैम में डाल देगा, तो उन तक आप अप्रोच नहीं हो सकते। तो आपको जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है या फिर जिनको आपके वेबसाइट में या आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट है, या जो आपकी वेबसाइट के सब्सक्राइबर हैं न्यूज़लेटर के या फिर ऑफर्स के, आपको हर वेबसाइट में जब भी जाते हैं तो आपको वो ऑप्शन अवेलेबल होता है ऑप्ट इन ऑप्ट आउट,
ये दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्ट इन मतलब वो अपनी मर्जी से आपका ईमेल लेना चाहता है, ऑप्ट आउट अगर वो अपनी मर्जी से आपके ईमेल लिस्ट से बाहर होना चाहता है तो उसको अनसब्सक्राइब बोल के आपको बटन कंपलसरी आपके ईमेल में रखना होता है। वो जो है एक लॉ है, उसके तहत आप जो है किसी को भी अनवांटेड मेल नहीं भेज सकते। तो जो आपके प्रॉस्पेक्ट है, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, उनको ईमेल मार्केटिंग के जरिए किया जाता है। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो है कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके टूल्स प्रोवाइड करते हैं, और इसकी पेड कॉस्ट होती है, दे आर कॉस्टली, लेकिन जो है आपका जो पर्पस है वो पर्पस को सर्व करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है मेलचैम्प बोल के एक वेबसाइट है, गेट रेस्पॉन्स बोल के एक वेबसाइट है, और बहुत से बेशुमार वेबसाइट है। ईमेल मार्केटिंग का लफ्ज आप जो है गूगल में सर्च करेंगे तो देर विल बी लॉट ऑफ कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग ईमेल मार्केटिंग सर्विस। ये सारी पेड सर्विस है, आपको जब आप एडवांस यूजर बनेंगे, जब आपको प्रमोशन करना है तो उस वक्त में ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट, आप अपनी वेबसाइट के जितने ब्लॉग्स है या अपनी वेबसाइट की जो भी ट्रैफिक है, किसी दूसरे वेबसाइट को डाइवर्ट करते हैं, यानी आप ड्राइव करते हैं ट्रैफिक जो वेबसाइट आपके आपके वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पे आती है, आपके ब्लॉग से। फिर एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट को जो है आप पर जो है आपने एक एफिलिएट प्रोग्राम लिया है, तो वो एफिलिएट प्रोग्राम किसके ज़रिए रन होता है। एग्जाम्पल मानिए कि आपको जो है amazon.com बोल के एक वेबसाइट है, तो उसके ज़रिए आपको जो है कोई चीज़ आप अन्य जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही है, आप अपनी वेबसाइट से यू आर ड्राइविंग ट्रैफिक टू अमेजोन बाई लिंकिंग देयर एड्रेस, तो वो आपको उसके एड्स और उसको आपका रेफरल लिंक देने के लिए आपको अमेजोन में जाके पहले आपको साइन अप करना होता है एज ए एफिलिएट पार्टनर, आप उसके मेंबर बनना है। जब आप एफिलिएट पार्टनर बन जाएंगे उसके अमेजोन के, तो वो आपको कुछ एड्स, कुछ डिस्प्ले, कुछ जो है लिंक्स, हाइपर लिंक्स प्रोवाइड करेगा। उस लिंक को आप अपने वेबसाइट में या आप अपने ब्लॉग्स में लगाएंगे, और जब ट्रैफिक आएगी उस पर क्लिक करेगी तो वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव होगी amazon.com पे या अमेजोन के साइट्स पे, और वो बंदा जाके वहाँ से कोई चीज़ परचेज करेगा तो उसका कुछ आपको आपको परसेंटेज के हिसाब में पेमेंट देता है वो। जैसे कोई बंदा एग्जाम्पल फ़ोन का कवर ख़रीदा, तो फ़ोन का कवर ये शायद 50 या 60 रुपए में होगा, तो उसका 2%, 4%, 10% इस तरह करके जो है आपको अमाउंट देगा। अगर कोई जो है एक बड़ी चीज़ ख़रीदता है, एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तकरीबन 40-50 हज़ार की होगी, या लैपटॉप है 60 हज़ार का, 50 हज़ार का, 30 हज़ार का होगा, तो उसमें आपको अगर वो 2% भी देता है तो 30 हज़ार का 2% आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये इस तरह होगा, आप जो है कहीं भी रहो, आपको ये पैसिव इनकम का एक जो है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब इसके बाद में है यूट्यूब मोनेटाइजेशन। यूट्यूब मोनेटाइजेशन में जो है आपको आपने जो कुछ वीडियोस बनाए हैं और अपने यूट्यूब चैनल में डाले हैं, उन पर कुछ ऐड आते हैं, तो जब उस ऐड पर आपके वीडियो में कोई ऐड आता है तो उसको हम बोलेंगे यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और ये मोनेटाइजेशन पहले हर एक को मिल जाता था जो अप्लाई करता था, लेकिन अभी गूगल ने, यूट्यूब ने जो है कुछ रूल्स बना दिए हैं कि आप मिनिमम इतने आपके पास सब्सक्राइब होनी चाहिए और उस पे मिनिमम इतने आवर्स लोग आपके वीडियोस को देखे हों, उस पर वक्त गुजारे हों। तो वो जब तक कि आप अचीव नहीं कर सकते उस लेवल को, जब तक कि फुलफिल नहीं करते, आपको वो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं करेंगे। आप अप्लाई भी करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको ट्रैफिक इम्पॉर्टेंट है। आपको वेबसाइट पे या आपके जो भी वीडियोस पे कुछ ऐसे कंटेंट होना चाहिए ताकि लोगों के इंटरेस्ट के हों और लोग आके उसको देखें, उसके सब्सक्राइबर बने और उस पर कुछ वक्त गुजारें, तो उससे यूट्यूब को मौका मिलेगा कि उस पर वो एड्स रन करे, और वो जो एड्स रन करता है उसका कुछ रेवेन्यू शेयर आपको वो जो है एडसेंस के जो अकाउंट है
आपके उसमें आपको पेमेंट करता है। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड, मल्टीप्लेक्स एड और जो है 5-6 किस्म के डिफरेंट जो है एडवर्टाइजमेंट है, इन सब का पेमेंट जो है आपको गूगल एडसेंस में मिलता है। और वंस आपको जब वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक आईडी देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड योर पब्लिशर आईडी। वो आईडी आप जो है अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन डाल के, अगर आपके पास वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में जाके एक प्लगइन होता है गूगल एड्स का, वो प्लगइन डाल के आप उसमें अपना वो आईडी डाल के सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक, इसका ये मतलब होता है कि आपने गूगल को अपने एडवर्टाइजमेंट्स जो एड वर्ड्स की शक्ल में वो रन करता है आपने अलाउ किया है, और उसमें सिर्फ वही एड्स दिखाएगा जिसका आप उसको परमिशन देंगे। तो आपके जो कंटेंट है उसके हिसाब से जो है वहाँ पर एड्स डिस्प्ले होंगे। एड डिस्प्ले होने के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उसको जब हम ऑनलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एड जो है पेज के बीच में आता है, एड साइड बार में आता है, एड आपके फुटर में आता है, एड जो है मेन आपकी बॉडी में आता है, एड जो है आपके हेडर के पास आता है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे लेआउट के हिसाब से वो एड अपने आप ऑटोमेटिक जो है गूगल सेटअप कर लेता है, और जब भी इम्प्रेशन होता है तो उसकी इम्प्रेशन के आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, उस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड पीपीसी, पे पर क्लिक, पे पर क्लिक जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट होगा, तो वो जो है एडवर्ट का हिस्सा है। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में जो वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं, अभी जैसे बताया था मैं मूवी मेकर में कि ये क्रिएट किया आपने, या फिल्मोरा में क्रिएट किया आपने, या इन वीडियो में क्रिएट किया, तो ये एडिटिंग वीडियो क्रिएशन में आता। और जब आप ऑलरेडी यूट्यूब का चैनल में डाल दिए हों और आपके चैनल में वीडियो है तो वहाँ जाकर यूट्यूब स्टूडियो बोल के होता है, तो वो स्टूडियो में जाके आप जो है वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पॉसिबल है। तो वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन होगी। उसके बाद वाला जो है टेलीकॉम मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग में तो जैसे आपको पता है इट्स ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग, भी टेलीफोन के जरिए लोगों को मार्केटिंग करके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो उसके लिए जिनको भी वो कॉल करते हैं दे हैव सम लिस्ट इन एक्सेल और एनी अदर प्रिंटेड फॉर्मेट, या फिर जो है डिजिटल फॉर्मेट में, या फिर जो है सॉफ्ट कॉपी होती है, उसको वो एक एक नंबर को लेते हैं और कॉल करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टेली मार्केटिंग। 31 है पॉइंट हमारा जो आज क्या स्लाइड पर है, वो लीड जनरेशन सर्विसेज है। लीड जनरेशन सर्विस मीन्स आपको कोई वेबसाइट चला रहे हैं या कोई आपके पास कंपेन चला रहा है, तो आप या तो गूगल एडवर्ड्स पे उसको रन करेंगे ऐड को, या फिर ऐड फेसबुक में ऐड देंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आपको ऐड एडवर्टाइजमेंट है तो आप जैसे एग्जांपल जॉब्स के बारे में है या प्रोफेशनल के बारे में है, तो वो ऐड आप जो है डिसाइड करेंगे कि लिंक्डइन में रन करें। इट डिपेंड्स ऑन आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, और आगे जो भी कस्टमर है, क्लाइंट है, उसका क्या टारगेट है। अगर कोई ऐड है, कोई देना चाह रहा है कि नौजवानों में वो ऐड दिखाए ज़्यादा, तो नौजवान फेसबुक पर भी है, लेकिन मेजॉरिटी का जो नौजवानों का नेटवर्क है वो जो है इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है। तो इस पे जो है आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो जब भी उसमें आप व्हाट्सएप में जाएंगे या फिर जो है इंस्टाग्राम में जाएंगे, तो वहाँ पर आपका एक पर्सनल अकाउंट होगा। आप जब भी अकाउंट बना रहे हैं, आपका फेसबुक का अकाउंट भी एक पर्सनल प्रोफाइल होगी, लेकिन उस पर्सनल प्रोफाइल के अंडर में आप जो है एक बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस पेज, बिजनेस ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप जो है ऐड कर सकते हैं, उसमें जो है आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस शक्ल में करेंगे जब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि यू कैन जनरेट लीड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, आप वो कर सकते हैं, तो आप लीड जनरेशन का काम भी कर सकते हैं। लीड जनरेशन का काम ये होगा कि अगर किसी क्लाइंट को आपको जो है एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चला रहे हैं, तो मेरे को 100 एडमिशन चाहिए, तो 100 एडमिशन चाहिए तो मेरे को तकरीबन 2000 आदमी तक वो ऐड जो है 10000 आदमी तक पहुँचना चाहिए, तो 2000 उसमें इंटरेस्टेड होंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, तो 2000 में से जो दो बंदे ज्वाइन करेंगे मेरे पास, सपोज 200 या 100 ज्वाइन करेंगे,
जो 100 का टारगेट है, मैं कोई एजेंसी को या मैं कोई ईमेल मार्केटर को ये टारगेट देता हूँ कि मुझे 100 एडमिशन चाहिए, तो वो ऐड किस तरह चलाना है, क्या बजट होगा, किन लोगों को टारगेट करना है, किस डिमोग्राफिक्स में टारगेट करना है, वो सेट करके मुझे मुझे क्या देगा, वो सिर्फ स्टूडेंट देगा कि ये दिस इज योर एडमिशन, तो पर लीड वो मुझे 500 रुपीज चार्ज करेगा, सपोज एग्जाम्पल, तो 500 रुपीज आई हैव टू पे फॉर दैट। लेकिन वो जो आगे है वो गूगल को शायद 50 रुपए दे, शायद 20 रुपए दे, शायद 100 रुपए दे, लेकिन मेरे से वो 500 रुपीज पर स्टूडेंट लेगा। तो इस तरह का लीड जनरेशन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे इसलिए कि ये स्लाइड बहुत ज्यादा बड़ी है और इसमें आधे ही चीजें हुए हैं, तो हम आज प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। लीड जनरेशन के बाद में आपको आता है फेसबुक, फेसबुक मार्केटिंग। तो फेसबुक मार्केटिंग में हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि फेसबुक में आप जो है किस तरह अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरह जो है आपको बिजनेस अकाउंट या फिर बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसमें किस तरह एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो जो फेसबुक में जो काम फ्री होगा दैट विल बी कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। आपको पोस्ट करना है तो पोस्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपको जो है स्टोरी क्रिएट करना है तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपको ग्रुप बनाना है तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन उसके जरिए आप सपोज कोई एक ऐसा स्पेशल ग्रुप बनाएं जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं और लोग आना चाहते हैं, तो उसमें होगा कि आपको यू कैन आस्क पीपल टू पे टू ज्वाइन द ग्रुप। आपका जब वैल्यू आ जाती है तो वैल्यू बनने के बाद में यू कैन आस्क पीपल टू पे, जो पेड करेंगे दे कैन बिकम मेंबर, और ओनली मेंबर्स कैन एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आप उसमें डाला है, तो वो उससे आपको एक आमदनी का जरिया हो सकता है। एंड यू कैन क्रिएट इवेंट्स, आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, यू कैन क्रिएट कोर्सेस ऑनलाइन ऑफलाइन, पेड फ्री, ये सारे ऑप्शन जो आपको फेसबुक में अवेलेबल रहेंगे। उसी तरह सेम ट्विटर में, उसी तरह सेम यूट्यूब मार्केटिंग में, उसी तरह सेम लिंक्डइन में, ये सिर्फ आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लिहाज से आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू गो फॉर विच प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम में भी वैसे ही होगा, मैसेंजर में, टेलीग्राम में। अब उसके बाद में आप जब वेबसाइट्स बनाते हैं तो आपको प्रोफेशनल ईमेल का नाम सुने होंगे। प्रोफेशनल ईमेल वो ईमेल है जो नॉर्मल जीमेल से हटके, जैसे आपका डोमेन है वो डोमेन से रिलेटेड जो ना जो ईमेल बनेगा उसको बोलेंगे प्रोफेशनल ईमेल। उसमें प्रोफेशनल ईमेल में होता क्या है बोले तो, जो फ्री का जो आपको गूगल का, जीमेल का या फिर दूसरे जितने भी अलग कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेल को वो जो है वेब बेस्ड ईमेल बोलेंगे। वेब बेस्ड ईमेल कोई भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल ईमेल जिनकी वेबसाइट है वही क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे ये वैल्यू मालूम होती है कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक प्रोफेशनली प्रेजेंस है, और उससे जो है लोगों को ये इंप्रेशन लगेगा कि यस यू आर इन बिजनेस, वो उसका एक इजहार करता है, जाहिर करता है कि यू आर डूइंग सम प्रोफेशनल काइंड ऑफ एक्टिविटी। वरना जीमेल से कोई भी अकाउंट बना लेगा, कोई भी जो है मेल भेज देगा, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती। जब आपके पर्सनल प्रोफेशनल ईमेल से मेल जाएगा तो कोई भी बोलेगा कि हाँ ही हैज वेबसाइट, ही हैज हिज ओन एवरीथिंग सेटअप, और उससे लोगों को जो है एक इंप्रेशन भी बैठेगा कि यस ही इज डूइंग समथिंग इन प्रोफेशनल वे, तो उसको बोलेंगे प्रोफेशनल ईमेल। पिंटरेस्ट में भी उसी तरह की मार्केटिंग होंगी जिस तरह हम जो है यूट्यूब में बताए, स्लाइड शेयर में भी उसी तरह रहेगा। कोरा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है मल्टीपल क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं, इसमें भी जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन गो फॉर मार्केटिंग। ऑनलाइन रिव्यू मैनेजमेंट, ये एक ऐसा तरीका है, यूजुअली वेबसाइट्स पे या फिर कंपनीज पे, खासतौर पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कंपनीज क्या चाहती हैं कि उन पर कोई रिव्यू आए। तो इन जनरल पब्लिक रिव्यू देती है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोगों को ऐसा पॉजिटिव रिव्यू दें, तो वो कंपनीज को हायर करती हैं, मार्केटर्स को हायर करती हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव या जो भी जिस टाइप का रिव्यू वो लोग चाहते हैं वो बता देते हैं कि आपको हमको इस तरह का रिव्यू क्रिएट करिए। तो इस तरह लोग जो है प्रोफेशनली ये सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें पॉजिटिव भी होता है, इसमें नेगेटिव भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज।
जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है, आपको उसको बेहतर तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिव्यू मैनेजमेंट। उसके बाद में आपको जब डोमेन परचेज करेंगे तो डोमेन मैनेजर उसका जो है डैशबोर्ड होता है, वेब होस्टिंग है उसका मैनेजमेंट है, उसका डैशबोर्ड होता है, उसके सर्विसेज होते हैं, उसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, FTP प्रोटोकॉल बोल करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, किस तरह आप जो है वेबसाइट को अपने कंप्यूटर से सर्वर पर ट्रांसफ़र करते हैं और कैसा आपको उसको डे टू डे अपडेट करते हैं, या कैसा आप उसमें फाइल्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं, कैसा उसमें फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ये सारा मैनेजमेंट आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा और इसको आप जो है अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन जाकर भी मेंटेन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज अपना टाइम ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट आई हैव कवर ऑल दी थिंग्स ऑन दिस स्लाइड। अब इसके बाद एंड पे जो है दो तीन बातें बोल के यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। एटलीस्ट 5 लाइव प्रोजेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई सजेस्ट। ये मैं जैसे बोला कि आपको एक पहला जो है वर्डप्रेस में बना रहे, दूसरा विक्स में बनाएं, तीसरा जो है about.me में बनाएं, तो ये 3 वेबसाइट आपके लाइव प्रोजेक्ट्स में शुमार होंगे। अब इसके बाद में जब ये 3 पे काम कर लेंगे आप, तो 4th और 5th एक ऐसी फिनिश्ड वेबसाइट बनाइए जो आपकी बिल्कुल रेडी टू यूज़ होगी। इसके सैम्पल जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सारी इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से डाल के उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग वेबसाइट कस्टमाइजेशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से उसको ग्राफिक्स, वीडियोस, जो कुछ आपने बनाए हैं, आपका ओन स्टफ होगा, वो उसमें डालेंगे। कंप्लीशन ऑफ ऑल द गिवन असाइनमेंट, जो आपको असाइनमेंट दे रहे हैं इसको आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल्स करना ज़रूरी है, ये जो है इसके बगैर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आज अपनी क्लास को ख़त्म करूँगा और जो लोग ये कर चुके, ये सब कुछ हो चुका, उसके बाद में दे कैन गो फॉर सर्टिफिकेशन गूगल की तरफ से और दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन होगा, वो जो है आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, उसके लिए आप जो है एग्ज़ाम लिख सकते हैं। जब एग्ज़ाम लिखेंगे और आपका परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो यहाँ पर मैं जो है आज अपनी क्लास को एंड अप करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप माय सेशन हियर टुडे। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, फोटोशॉप नहीं है, फोटोशॉप नहीं है तो आप जो है कैनवा पे काम करिए, वरना फोटोशॉप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो कोई भी कंप्यूटर शॉप पे जाके आप जो है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होना बोल के बोलिए, वो लोग आपको 150 रुपये लेके आपके कंप्यूटर में डाल देते। फोटोशॉप के बगैर आप काम नहीं कर सकते। इसमें मूवी मेकर भी आपको जो है छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकली फिजिकली क्लास नहीं ले रहे, वरना आप हमारे पास आ गए तो अवेलेबल था, हम लोग हमारे फ्लैश डिस्क से आपके आपके जो है कंप्यूटर में डाल दे सकते थे। वी आर टेकिंग ओनली नाउ ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए अपने माइक में। आई हैव अलाउड यू टू स्पीक। सो व्हेन देयर इज नो क्वेश्चंस, दिस इज हेलो, या दिस इज माय पर्सनल नंबर। हेलो, मिस्टर गुप्ता। सर मैं पूछा था जो अभी आपके बाकी जो क्लास होते हैं 11 बजे रात को 8 बजे, हाँ, ये सब क्लास सेम सब्जेक्ट होते हैं क्या, चेंजेस होता है उसमें? इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहते हैं, जो भी वो टॉपिक रहेगा उसके हिसाब से जो है
डिफरेंट होगा उसमें। मुझे थोड़ा ज्यादा वो ब्लॉगर का सिग्नल है सर। ब्लॉगर बहुत इजी है, आप लॉगिन करिए, आपका जीमेल में लॉगिन करने के बाद में ब्लॉगर का ऑप्शन है। वो सब क्या है सर, लेकिन वो ट्रैफिक नहीं आ रही सर। क्या नहीं आ रहा? ट्रैफिक नहीं आ रही। ट्रैफिक नहीं आ रही, तो यू हैव टू ऐड कंटेंट, या फिर उस पे जो है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आपको जो है उसमें बैकलिंक्स क्रिएट करना होगा। सो दैट बैकलिंक व्हाट इज योर ब्लॉग, जस्ट शेयर मी योर ब्लॉग नेम URL। आप लोगों की किसी की वेबसाइट है तो शेयर करिए। जस्ट मिनट सर। सर मैंने भेजा सर। गॉट इट। सो आई विल एंड अप हियर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा इसको देख लीजिएगा सर और क्या करना पड़ेगा। ऑल राइट, आई विल चेक इट, आई हैव सेड दैट। जी, ओके सर, बाय, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर, गुड डे।